चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। कुछ शॉर्टकट्स भी मैं बताऊंगा। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? सबसे पहले कितने मार्क्स का है? 15, ठीक है। उसके बाद ये जो बोर्ड का पेपर और 11th का ओसीएम का एनुअल पेपर सेम आता है, तो कौन सा क्वेश्चन कौन से मार्क्स का आता है वो भी मैं बताऊंगा। नाउ सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, एक रीडिंग करना है। इकोनॉमिक कौन सा एक्टिविटी है? पैसे कमाने के, एग्जाम्पल बिजनेस। नॉन इकोनॉमिक कौन सा है? टाइम पास, जो तुम लोग करते हो बहुत सारा। अभी ये जो बिजनेस है, इसमें डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा एक एडवाइस है, ये क्वेश्चन आपने स्किप किया तो चैप्टर के एंड में जो डिस्टिंग्विश है, ठीक है, ये तीनों का, ये तीनों फीचर्स का रूप ले सकते हैं। ये मेरा हिसाब से 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ये तीनों डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, और एक फीचर। अब एक और बार मार्क्स में जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, एक शॉर्ट नोट, एक डिस्टिंग्विश 100% इस एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको डिस्टिंग्विश मिलना नहीं, ठीक है ना, या इंस्टीट्यूट्स जो है ना, ये इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस में नहीं मिलना है, एनवायरनमेंट में नहीं है, मैनेजमेंट में सिर्फ एक है, तो इनको 4 डिस्टिंग्विश में से एक डिस्टिंग्विश इसमें से 4 मार्क का 100% फंसेगा, जिसमें से ये 3 आप कर लो और इंडस्ट्री कॉमर्स कर लो, तो आपका एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपने ये इंडस्ट्री कर लिया और ये 3 कर लिया, तो आपके कुल क्वेश्चन कितने होंगे? फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, फीचर्स ऑफ कॉमर्स, और साथ में डिस्टिंग्विश। तो ये जब मैंने बताया है, तो आपको ऊपर से जो क्वेश्चंस है वो अलग से करने की जरूरत नहीं, जो फीचर्स का रूप है, ठीक है ना, जो ऊपर फीचर्स है वो आप स्किप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो शुरुआत आप क्या करोगे, बिजनेस यहां से करने की जरूरत नहीं, बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये जो बिजनेस का ए मीनिंग, बी डेफिनेशन और सी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट आप डिस्टिंग्विश से निकाल लें, और तीनों का एक कॉमन पॉइंट रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये आप यहां से स्किप करके आप डिस्टिंग्विश में जा सकते हो, प्रोफेशन का ये स्किप कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट का ये स्किप कर सकते हो, लेकिन डिस्टिंग्विश भूलना नहीं। अब बच्चे लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उन लोगों ने 5 मार्क का पूछा तो 10 पॉइंट, लेकिन आजकल का ट्रेंड, मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन पेपर 12th का जो ट्रेंड है वो भी पैरेलल दिखा दूँ। ये जो ट्रेंड दिख रहा है आजकल का 4 मार्क का, आंसर डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स, 4 4, ये जब स्पेसिफाई करते हैं 4, तो आप 4 ही पॉइंट लिखोगे, 5 नहीं, लेकिन 4 पॉइंट में एग्जाम्पल भी डाल, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो मैं बच्चों को बोलता हूँ 10 पॉइंट लिखो, लेकिन एक सवाल आता है, एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यदि 7 ही पॉइंट है तो 7 पॉइंट लिख देना, टेक्स्ट बाल भारती में ही 7 पॉइंट है तो आप एक्स्ट्रा तो जोड़ नहीं पाओगे, तो वो आप एडवांटेज कर सकते हो, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन आपने कौन से स्किप किए फीचर्स के, कौन सा किया? डिस्टिंग्विश किया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का 100% या तो फीचर्स के रूप में या तो डिस्टिंग्विश के रूप में, चांसेस ज्यादा डिस्टिंग्विश के, क्यों? क्योंकि दूसरे जो क्वेश्चन है, जैसे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये इकोनॉमिक और सोशल, ये 8 मार्क का भी आ सकता है, बट 8 मार्क का थोड़ा सा रेलेवेंसी कम क्यों हो जाता है 8 मार्क का आने के लिए, क्योंकि 8 मार्क का, मैं आपको साइकोलॉजिकली बताऊं, 4 5 33 है, चौथे नंबर में से 100% 8 मार्क का आएगा, और एक ट्रेड में से 8 मार्क का बैठना चाहिए, क्योंकि बग ज्यादा है ना, तो इसमें से 8 मार्क डाल दिया तो इनके पास जगह कम बचता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और रोल ऑफ प्रॉफिट एज अ शॉर्ट नोट कर सकते हो, और तीन ऊपर के फीचर्स के बजाय डिस्टिंग्विश के लिए क्या ये दो,
ये स्टूडेंट को थोड़ा सा बोरिंग लगता है। अक्सर बच्चे लोग ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और कई बार यही क्वेश्चन डालते हैं। सो आपको पहले तीन फीचर्स स्किप भी किया, डिस्टिंग्विश किया, उसके बाद ये दो शॉर्ट नोट किया तो आपका काम हो जाएगा। और एक और बात बताता हूं, आपका जब भी आंसर आता है तो ये चार्ट, अब बिजनेस बोला तो इंडस्ट्री कॉमर्स का चार्ट बना लो, कॉमर्स पूछा तो ट्रेड और ऑक्सिलरीज, अंदर नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये बना लो। अच्छा, आपके पास टाइम बहुत कम है एग्जाम में, कि लिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इंडस्ट्री के टाइप्स टॉप प्रायोरिटी में रखना। मैं एक बार बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और रोल ऑफ प्रॉफिट नहीं करूंगा, टाइम कम है, लेकिन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जरूर करो। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 4 मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए नहीं आएगा। और इसमें भी कॉमन सेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी एक टर्शरी जो भी, एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर डालना, इसको भूलना नहीं। अब रहा सवाल कॉमर्स, ये आप स्किप कर सकते हैं कॉमर्स में, क्योंकि आपने डिस्टिंग्विश में कॉमर्स किया होगा, तो ये होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड, क्योंकि होलसेल रिटेल ट्रेड चैप्टर में, तो ये करने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। ये जो फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीपोर्ट, अगेन इसका रेलेवेंस आगे के चैप्टर में है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक 4 मार्क का शॉर्ट नोट या तो 8 मार्क का लोग पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में समरी के तौर पर मैं दे दूं तो 4 शॉर्ट नोट्स है, कौन कौन सा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट, एक ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे से पूछा गया तो मैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ही बोलूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बोला तो टाइप्स करके बाकी छोड़ दिया। ये 4 आएंगे, बाकी डिस्टिंग्विश में और बिकॉज फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भी वो लोग कर सकते हैं। 8 मार्क का मैं इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कम करता हूँ, सरप्राइज थोड़ा सा कम रहेगा इस चैप्टर। आपने लिख लिया कौन कौन सा, शॉर्टकट्स को क्या बताया, फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किप करो, वो कहाँ से लो, डिस्टिंग्विश। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, फीचर्स ऑफ कॉमर्स स्किप करो, वो कहाँ से करो, डिस्टिंग्विश। बस रोल ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। और आपका पेपर में सबसे पहले क्या लिखोगे, चार्ट, चार्ट ड्रॉ करोगे, उसके बाद ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, डी फीचर्स, 1 2 3 4, रोमन नहीं डालना, डॉट्स मत डालना, एग्जाम्पल डालना। चार पूछा तो 4 ही पॉइंट लिखना, कुछ नहीं पूछा तो 8 से 10 कोशिश करना, और सिलेबस में या टेक्स्ट बुक में ही 7 है तो 7 लिख कर आओ। और नहीं आ रहा है, एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है, लास्ट मोमेंट आपके, मैं आपको लाइव क्वेश्चन पेपर के साथ बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। बेटा पूरा लाइन लिखो, और ये जो इसका बीच का शब्द है इधर डालने का, ठीक है, ये पूरा लाइन लिखो, इसका डैश वेयरहाउस फैसिलिटेड फॉर पेरिशेबल कमोडिटी, कोल्ड स्टोरेज आएगा इसका आंसर, कोल्ड स्टोरेज लिखने का, पेंसिल से अंडरलाइन करने का, अलग कलर का पेन यूज करने का, नहीं रंग बिरंगी नहीं पेपर रखने का, ब्लू पेन यूज करने का, ये ग्रुप ए ग्रुप बी, मैं मानता हूं कि डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए, बट आपको ये पूरा वाक्य लिख के एक एरो डाल के ट्रू और फॉल्स लिखना हो। अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स आ गए, तो फर्स्ट चैप्टर में से एक दो एंटिसिपेट करो, ये 3 लाइन के ऊपर लिखने का नहीं, और विद एग्जाम्पल डालने का, समझ में आया, तो 2 में से 2 कितना पूछा है, 4, बेटा 6 के 6 नहीं लिखने का, 4 लिखने का विद एग्जाम्पल, टाइम नहीं मिलेगा। केसलेट्स, ये जो 3 है, जो मेरा एग्जाम के एक दिन पहले का एक्सरसाइज है, उसमें मैंने केसेस भी डाला है, कोई भी 2 केसेस अटेम्प्ट करना है, 3 में से 3 नहीं, कुछ लोग ने बोला कि 3 के 3 करके, नहीं, दे विल सेलेक्ट बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 2 यहाँ पे करोगे आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक फर्स्ट चैप्टर में से आएगा, ठीक है ना, एक सेकेंड चैप्टर में से आएगा, एक फोर्थ और एक फिफ्थ में से आएगा, मैनेजमेंट में से एक आ सकता है, कोई भी 4 लोग पूछेंगे, और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, 4 है 4 है, तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है, एग्जाम्पल, जस्टिफाई में कंट्रोलिंग इज अला, ये 12th का है, लेकिन अब सपोजिटली बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस के फीचर्स आ जाएंगे जो आपने डिस्टिंग्विश में किया होगा। सो जस्टिफाई भी जो आपने किया है वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, आया समझ में, आप फर्स्ट चैप्टर ऑप्शन में नहीं डाल सकते, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, बाकी टाइम कम मिला तो आखिरी चैप्टर को ठीक है थोड़ा सॉर्ट ऑफ रीड कर लिया, लेकिन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ आपके प्रियोरिटी चैप्टर्स। और एक और चीज, जो क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क का है, उसमें सपोजिटली आपका क्वेश्चन आता है
बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। सरप्राइज उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक डाल दिया, तो ए क्या बोला था मैंने, इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी फीचर्स, डी कैरेक्टरिस्टिक्स, या डी एग्जाम्पल, और ई आपके फीचर्स 1 2 3 4। शॉर्ट एंड स्वीट, आप 2 से सवा 2 पेज का ये कम से कम भरना चाहिए, ज्यादा भरा तो भी ठीक है। और मार्क्स के हिसाब से 5 मार्क का है तो 8 10 पॉइंट्स, पॉइंट्स के हिसाब से लिखना, पैराग्राफ के हिसाब से नहीं, तो आपका पेपर कंप्लीट। लॉजिक समझ में आया ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करता हूँ।